सुप्रभात समस्त अर्चना ये भिडटी नहीं अष्टम श्रेणी व्याकरण बहर ध्वनि वर्ण मात्रा कला एवं वृत्ताक्षर समय चलते भिडटी आरंभ कर जा रा व ताई देसा
मुद्देश दंतेश हय तेबे म पर्यंत हेले वर्ग व्यंजन एवं म परे ज ठारु ल पर्यंत होउची अ वर्ग व्यंजन। तेणु एबे आमे व्यंजन वर्ण गुड़िकर विभागीकरण संबंध में जानिबा। प्रथमतः अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन ज य र ल ल एवं वो ए ज य र ल ल एवं व वर्ण गुड़िक स्वर और व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती हेतु यह अंतस्थ वर्ण बायक अर्ध स्वर रे मध्य नामित करा गेछ। यह परेला उष्म वर्ण, उष्म वर्ण गुड़ी कहले काल्वेच मुद्नेच दंतेच एवं ह ए गुड़ी कर उच्चारण रे अधिक उष्मता निर्गत होइथाए एणु एगुड़ी कहले उष्म वर्ण। यह परे अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण गुड़ी को प्रायतः उ निय ल न म तथा अनुसार विसर्ग एवं चंद्रबिंदु मध्य एगुड़ उच्चारण में कौन हुए ना नासिकार आम सहाय नहीं था आम ए वर्ण गुड़ उच्चारण में नासिकार साज्य नेगुड़ हूँ अनुनासिक वर्ण। एबे प्राणभूति रे व्यंजन वर्ण को किभली विभागीकरण करा जाछि देखिबा। प्राण अर्थात निश्वास वायु, प्राण अर्थात निश्वास वायु वृत्ति रे व्यंजन ध्वनि को दि भाग रे विभक्त करा जाछि। प्रथमतः अल्प प्राण व्यंजन, द्वितीयतः महाप्राण व्यंजन। तेबे जानिबा अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कौन, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कौन ना जो व्यंजन ध्वनि गुड़ी कर उच्चारण अल्प प्राण अर्थात निश्वास वायु बा कम निश्वास वायु मुखरु बहिर्भूत होइथाय ताहाकु अल्प प्राण व्यंजन ध्वनि कहा जाए। आउ प्रत्येक वर्ग अर्थात क च ट त एवं प वर्ग व्यंजन वर्णर प्रथम एवं तृतीय वर्ण को आम अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहपरी क वर्णर प्रथम एवं तृतीय वर्ण कौन, क वर्णर प्रथम वर्ण हूँ क एवं तृतीय वर्ण हूँ ग ठीक सेभली च वर्गर प्रथम वर्ण कौन च एवं तृतीय वर्ण कौन ज ठीक से ही भली ट वर्गर प्रथम वर्ण कौन ट एवं तृतीय वर्ण हूँ ड से भली त द एवं प आउ ब ए मानू आम अल्प प्राण व्यंजन बोली कहिबा। ठीक से महाप्राण व्यंजन कौन ना जो व्यंजन ध्वनि गुड़िक उच्चारण से अधिक प्राण अर्थात निश्वास वायु बहिर्गत होइथाए ताहाकु महाप्राण व्यंजन कहा जाए। अल्प प्राण व्यंजन रे कौन होता ना अल्प निश्वास वायु बहिर्गत होता, महाप्राण व्यंजन रे कौन होची ना अधिक निश्वास वायु बहिर्गत होउची। अल्प प्राण व्यंजन रे कौन होता ना वर्गर प्रथम एवं तृतीय वर्ण को आम अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते। महाप्राण व्यंजन वर्ण रे कौन होची ना गोटे वर्गर द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण को आम महाप्राण व्यंजन वर्ण कहिबा। देखिबा क वर्गर द्वितीय वर्ण कौन ख, आउ क वर्गर चतुर्थ वर्ण कौन घ, तेणु ख एवं ह हेले क वर्गर द्वितीय वर्ण ख एवं चतुर्थ वर्ण घ होउचन्ति महाप्राण व्यंजन। ठीक सेहिपरि च वर्गर द्वितीय वर्ण होउचि छ एवं चतुर्थ वर्ण कौन झ। ठीक सेहिपरि ट वर्गर द्वितीय वर्ण होउचि ठ एवं चतुर्थ वर्ण होउचि ढ। ठीक सेहिपरि त वर्गर द्वितीय वर्ण होउचि ठ एवं चतुर्थ वर्ण होउचि ढ। ठीक सेहिपरि
प वर्गर द्वितीय वर्ण फ एवं चतुर्थ वर्ण ढ एही वर्ण गुडी आमे महाप्राण व्यंजन बोली कहिबा। एबे घोषत भित्तिरे कि भले भावरे वर्ग व्यंजन गुडी को विभागीकरण करा जाय छी देखिबा। स्वरतंत्र सृष्टि होतबा घोष बा कंपन को ने वर्ग अंतर्भूत व्यंजन गुड़ी को दुई भाग में विभक्त करा जाय छी। प्रथमतः अघोष व्यंजन द्वितीयतः सघोष व्यंजन। तबे अघोष व्यंजन आमे कहि कहबा उच्चारण बेले स्वर तंति रे जदि घोष बा कंपन सृष्टि हुए नाही। उच्चारण बेले स्वर तंति रे जदि कंपन सृष्टि हुए नहीं तेबे सेटा अघोष व्यंजन। आ अघोष व्यंजन गुड़िक हूँ प्रत्येक वर्ग व्यंजन गुड़िक प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। क वर्गर प्रथम वर्ण कौन क एवं द्वितीय वर्ण कौन ख। तेणु क आउ ख हेउछि अघोष व्यंजन। ठीक से बड़े च वर्गर प्रथम वर्ण होछि च एवं द्वितीय वर्ण कौन छ। ठीक से बड़े त वर्गर प्रथम वर्ण ट एवं द्वितीय वर्ण ठ। ठीक से बड़े त वर्गर प्रथम वर्ण त एवं द्वितीय वर्ण ठ। ठीक से बड़े प वर्गर प्रथम वर्ण प एवं द्वितीय वर्ण होछि ह। तेणु क ख च छ ट ठ एवं प ख हेउछि अघोष व्यंजन। ठीक से बड़ी सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन जो व्यंजन गुड़िक उच्चारण बेले स्वर तंति रे कंपन सृष्टि हुए। अघोष व्यंजन रे कौन होतिला कंपन सृष्टि हेउ नथिला किंतु सघोष व्यंजन वर्ण रे कौन होउछि कंपन सृष्टि हुए। तेणु तार उदाहरण गुड़िक देखा प्रत्येक वर्ग तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण को आम सघोष व्यंजन बोली कहला। अघोष व्यंजन कौन होता प्रत्येक वर्गर प्रथम एवं द्वितीय वर्ण को अघोष व्यंजन कहला। सघोष व्यंजन कौन ना प्रत्येक वर्गर तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण। क वर्गर तृतीय वर्ण होछि क एवं चतुर्थ वर्ण घ। ठीक से बोलि च वर्गर तृतीय वर्ण ज एवं चतुर्थ वर्ण झ। ठीक से बोलि ट वर्गर तृतीय वर्ण ड एवं चतुर्थ वर्ण ढ। ठीक से बोलि त वर्गर तृतीय वर्ण द चतुर्थ वर्ण ध। ठीक से बोलि प वर्गर तृतीय वर्ण ब एवं चतुर्थ वर्ण घ। तेणु ग घ ज झ ड ढ द ध ब एवं भ हेउछि सघोष व्यंजन। या सहित आमे वर्ग एवं अवर्ग व्यंजन को विभिन्न भित्तिरे विभागीकरण कले। वर्ण परे एबे आमे मात्रा संबंध रे जानबा जे मात्रा कह मात्रा हेउछि मात्रा कौन ना आठ रु ओ पर्यंत स्वर वर्ण गुड़िक जेतेबेले व्यंजन वर्ण मानक सहित मिलित हुवंदि सेई स्वर वर्ण गुड़िक गोटी गोटी संकेत बा चिन्ह रे परिणत होइथान। सेही संकेत बा चिन्ह गुड़िक आमे मात्रा कहिथौ। एबे मु एठारे स्वर वर्ण लिखिछि जेतेबेले से कोनोसी संकेत बा चिन्ह रे परिणत हुवंदि आमे ताको मात्रा कहू। मात्रार चिन्ह गुड़िक एथिरे लेखाई तापर से मात्रार नाम एवं आम व्यंजन वर्ण गुड़िक सहित मिलित है तार कि भाव में आम व्यवहार कर संबंध में एटी लिखी तेरे जाना आ आ तार मात्रार चिन्ह हूँ सीधा गोटे गार मात्रार नाम हूँ आकार एवं आम कि भाव में व्यवहार कर आकार का ख आकर खा ग आकर गा। ठीक से बोला स्वर वर्ण की हसे हसे मात्रा रो चिन्ह टी आप देख पाचे तार एडा हो ई कार
ईकार को आमे व्यवहार करते क हसे की ख से की ग से गी ठीक से पूरे दीर्घ दीर्घ स्वर वर्णटी मात्रा चिन्ह कोई जाए लिखी जी रिप कर एटा हो जी दीर्घई कार ठीक से बोले हसे कार और दीर्घ कार मध्य उच्चारण कौन सी पार्थक्य न था केवल ता मात्रा बा संकेत बा चिन्ह रे परिवर्तन देखा जाए था जेपरे हसे कार चिन्ह होची ए भले ओ दीर्घ कार चिन्ह टी ए भले तेणु क दीर्घ मध्य कि ख दीर्घ मध्य कि और ग दीर्घ मध्य गि से भले ये होची हसौ कार ताको आमे क हसौ कु ख हसौ कु ग हसौ कु भाबे व्यवहार करू जे भले हसे एवं दीर्घे मात्रारे ही केवल चिन्ह मात्रारे ही केवल परिवर्तन देखा जाइछि तार उच्चारणगत पार्थक्य नाही ठीक से भले हसुकार एवं दीर्घकार रे मध्य मात्रा बा संकेत रे ही पार्थक्य देखा जाइछि तार उच्चारणगत पार्थक्य न थाय जेपरि क हसौ कु से भले एटा होछि दीर्घकार क दीर्घ मध्य कु ख दीर्घ कु एवं ग दीर्घ कु तापरे यह होची रूकार देखि परथुए क रु क्रु ख रु क्रु एवं ग रु ग्रु ठीक से बोली एटा ए कर क ए कर के ख ए कर के एवं ग ए कर ए गे ठीक से बोली एटा ओ कर क ओ कर क ए ख ए कर ख ए एवं ग ओ कर ग ए से बोली ओ कर क ओ कर क ख ओ कर ख ग ओ कर गो से बोला ओ कर क औकर कौ ख औकर कौ एवं ग औकर गौ मात्रा परे एबे आमे कला संबंध रे जानिबा मात्रा रे आ ठारु ओ पर्यंत स्वर वर्ण गुडीक एक सांकेतिक रूप रे व्यंजन वर्ण गुडीक सहित मिलित होउथिले एठी भी सेही भरि ई वर्ण गुडीक न म र ज वाय ल वर्ण गुड़िक अन्य व्यंजन वर्ण गुड़िक सहित मिलित ही एक सांकेतिक रूप से परिणत होती एक सांकेतिक चिन्ह गुड़िक तार देखी देखी पड़े ए सांकेतिक चिन्ह गुड़ी को आम कला बोली कह सांकेतिक चिन्ह देखी पारे न कला बोली कहुए क न होची क्न फळा युक्त होईची एवं फळा सहित युक्त होईची मु बणटी होईची देखिची आपण माने देखि पडतिबे तबे क न युक्त होई हेला क्न से बेला ख न क्न तापरे म फळा म फळा रे संगे देखि त देखि पडच आकु म फळा बनी कुहा जाय तबे क आउ म मिसिकेला म सेपरी र फळा सांकेतिक चिन्ह होईली देखिची क र हेला क्र एही फळा होची ज बा य फळा ज बा य फळा बोली आपण कुरा जाय आउ क ते ज बा य फळा हेब क्य से बळ्या ख ज बा य फळा हेब क्य ফলা 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 ফল
ହଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମାତ୍ରା ଏବଂ କଳା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବା ସଂଯୋଗକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଏଠି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଅ ସହିତ କ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଉଅ ସହିତ ଖ, ଉଅ ସହିତ ଗ ଏବଂ ଉଅ ସହିତ ଘ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି? ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହୁ କହନ୍ତି? ନା ଉ, ନି, ଣ, ନ ଏବଂ ମ କୁ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇକି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଉ କ ହେଲା ଅଙ୍କ, ଉ ଖ ହେଲା ଅଙ୍କ, ଉ ଗ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ନିଅଚ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚ, ନିଅଚ ଅଞ୍ଚ, ନିଅଚ ଅଞ୍ଚ ଏବଂ ନିଅଚ ଅଞ୍ଚ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଣଟ ହେଲା ଅଣ୍ଟ, ଣଠ ଅଣ୍ଠ, ଣଡ ଅଣ୍ଡ, ଣଢ ଅଣ୍ଢ। ନତ ଅନ୍ତ, ନଥ ଅନ୍ଥ, ନଦ ଅନ୍ଦ ଏବଂ ନଧ ଅନ୍ଧ। ଠିକ ସେହିଭଳି ମକ ଅମ୍ପ, ମକ ଅମ୍ଫ, ମବ ଅମ୍ବ ଏବଂ ମଭ ଅମ୍ବ। ପିଲାମାନେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପରେ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି, ତେବେ ଆସ ସେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କ କ ମିଶିକି ହେଲା ଅ କ, କ ତଳେ ଅଧା କ। ଠିକ ସେହିଭଳି କ ଆଉ ତ ମିଶିକି ହେଲା ଅ କ, କ ତଳେ ଦୁଇ। କ ତ ମିଶିକି ହେଲା ଅ ତ, କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତ। ସେହିଭଳି କ ସ ହେଉଛି ଅ ସ, କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ। ସେହିଭଳି ଗ ଗ ହେଉଛି ଅ ଦ, ପଢ଼ିବାରେ ଓ ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।